ओके, तो फाइनली गाइस हमारे जो रेडमी 12 5G और पोको M6 प्रो 5G डिवाइस है ना, उसके लिए अनदर एक मॉडर्न रोम रिलीज हो चुके जो है गाइस HOS। ओके, और ये रोम मुझे रियल में बहुत पसंद आया, इसलिए सोचा चलो रिव्यू वगैरह कर देता हूँ। और मुझे कुछ DM वगैरह भी आ रहा था इस रोम के ऊपर कि रिव्यू लेके आओ। ओके, तो आप लोगों के लिए भी ये रिव्यू लेके आऊँ, सो प्लीज़ शेयर, वीडियो को लाइक कर देना गाइस। और चैनल पे नए हो और आप रेडमी 12 5G और पोको M6 प्रो 5G डिवाइस के यूजर हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दिया करो यार। और हो सके तो वीडियो को थोड़ा शेयर वगैरह भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके, आप लोग जितना गाइस जो सपोर्ट करोगे तो उतना ही मुझे मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने में। ओके, सो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर देना। तो फिलहाल इस रोम का मैं आज फुल रिव्यू करने वाला हूँ, कैसा रोम है, बाकी फीचर्स वगैरह ज़्यादा नहीं मिलते, मैं परफॉर्मेंस को भी ज़्यादा फोकस करूँगा इस रोम के ऊपर। ओके, सो वीडियो को लाइक वगैरह जल्दी कर देना। ओके, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका माई डिवाइस। सो माई डिवाइस का पेज आपको देख सकते हो कुछ इस तरह से नॉर्मली मिलते हैं। बाकी मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, देखो इसका जो फर्स्ट बिल्ड आया था ना, उसका अबाउट फोन का जो लेआउट था कुछ इस तरह से आपको मिल रहा था। देन बाकी इसका एक न्यू जो अपडेट आया था उसके बाद मैं इसको अपडेट किया था, उसके बाद नॉर्मल ये वाले पेज आ चुके। ओके, और ये वेस्ट है इस Xiaomi का जो हाइपर वेस्ट जो बोल सकते हो, Xiaomi यू का जो लेटेस्ट अपडेट है देख सकते हो 1.0.10.0, तो उसी के ऊपर ये वाला रोम बेस्ट है। ओके, तो अपडेट किया था इसलिए नॉर्मल ही है। बाकी फर्स्ट जो बिल्ड आया था उसमें ये वाला जो अबाउट फोन का इन्फो वगैरह मुझे देखने को मिल रहा था। ओके, बाकी रोम एंड्रॉयड 14 के साथ आता है, देख सकते हो इधर मैं शो कर देता हूँ, एंड्रॉयड 15 नहीं है, देख सकते हो एंड्रॉयड 14 के साथ आते हैं। बाकी इसको जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी है वो आपको 10 मंथ का देखने को मिल जाएगा। ओके, लेटेस्ट बोल सकते हो। और इसका वर्जन वगैरह तो मैं चेक कर दिया, रेडमी 12 5G है मेरा डिवाइस, इसको आप अपने जो पोको M6 प्रो 5G डिवाइस है उसमें भी यूज़ कर सकते हो। ओके, नॉर्मली आपको कुछ एज बॉक्स मिलते हैं रोम का कस्टमाइजेशन, तो उसके ऊपर मैं शो कर देता हूँ, देख सकते हो आपको ना हाइपर जो इस लेंथ है उसका सपोर्ट मिलते हैं। तो क्या है, डायनेमिक आइलैंड में अगर ऑन कर दूंगा तो फोन वगैरह साइलेंट कर दो, नोटिफिकेशन वगैरह ही देखो, इधर से आपको वाला डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलते हैं। ओके, तो मुझे बहुत सही लगा, मैक्सिमम रोम भी आपके मिलते हैं। बाकी स्टेटस बार क्लॉक स्टाइल जो मेरे में देख सकते हो, इसमें आपको जो 5 स्टाइल देखने को मिलते हैं, बाकी फोर्स मैक्स FPS वगैरह जो ऑन वगैरह कर सकते हो। ओके, बाकी हिडन सेटिंग्स का सपोर्ट है, मतलब जो आपको Xiaomi का ये वाला फीचर्स वगैरह आपको सेटिंग्स वगैरह में नहीं मिलते, बट वो वाले फीचर्स आपको नॉर्मली इसमें देखने को मिल जाएगा। ओके, और अप्लाई चेंजेस जैसे कर सकते हो। बाकी और न्यू कुछ नया जो आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते, बट हाँ आपको वॉलपेपर एंड जो पर्सनलाइजेशन है ना, इसमें जाने के बाद आप जब इसका लॉक स्क्रीन में जाओगी तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, देख सकते हो जो प्रीमियम वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी हम लोगों को इसको ऑफिशियल रोम में आपको जो मैगजीन के सपोर्ट वगैरह नहीं मिलते, जो डेप्थ वगैरह वॉलपेपर का सपोर्ट, बट ये वाला रोम के साथ आपको बाई डिफॉल्ट देखने को मिलते हैं, और वॉलपेपर वगैरह बहुत प्रीमियम वॉलपेपर इसमें बाई डिफॉल्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, और एक जो बहुत बढ़िया से मुझे देखने को मिला है, इसका जो कंट्रोल सेंटर है देख सकते हो, कुछ मॉडर्न कंट्रोल सेंटर इसमें यूज़ किया है, जहाँ से डेटा वगैरह आप इधर से चेक कर सकते हो कितना डेटा वगैरह गया है। ओके, थोड़ा मॉडर्न है इसका ब्राइटनेस और जो वॉल्यूम स्लाइडर है मुझे बहुत सही लगा, और ब्लर कंट्रोल सेंटर है, इसकी वजह से और भी सही लगते हैं। ऑफिशियल रोम पे आपको ब्लर नहीं मिलते। ओके, नॉर्मल इसमें देख सकते हो ये वाला सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो जो आपको ऑफिशियल रोम पे नहीं मिलते, तो ये मुझे बहुत बढ़िया सा लगा। बाकी एडिशनल जो सेटिंग्स है उसमें अगर जाऊँगा, फ्लोटिंग विंडोज़ देख सकते हो, फ्लोटिंग विंडोज़ का सपोर्ट है, तो क्यों सो केयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इसका फ्लोटिंग विंडोज़ ना आपको हाइपर OS 2.0 का देखने को मिलता है। देखो इसके एनिमेशन, देखो ये वाला जो एनिमेशन है ना हाइपर OS 2.0 का जो यूज़ किया है इसमें, तो ये मुझे बहुत सही लगा। बाकी फ्लोटिंग विंडोज़ आप नॉर्मली इधर से भी कर सकते हो, देख सकते हो लेटेस्ट वाला है। ओके, तो ये मुझे बहुत सही लगा। बाकी डायलॉग तो आपको हाइपर मतलब MIUI का ही देखने को मिलते हैं, और आप कॉल वगैरह करते हो तो उसमें क्या है आपको देख सकते हो कॉल टूल बॉक्स का सपोर्ट देखने को मिलते हैं, तो ये भी मुझे बहुत सही लगा। बाकी रिसेंट मेनू आपको iOS का मिलते हैं इसमें देख सकते हो, और इसमें भी ब्लर है जहाँ से आप बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो, चेक कर सकते हो बहुत सारे सेटिंग्स कस्टमाइजेशन आपको ये वाला लॉन्चर के साथ देखने को मिल जाएगा। ओके, तो रोम बहुत सही है। बाकी हम लोगों को जो अनलॉक एनिमेशन वगैरह नहीं मिलते ऑफिशियल रोम पे, बट इसमें आपको देख सकते हो अनलॉकिंग एनिमेशन, बाकी ऐप ओपनिंग क्लोजिंग का एनिमेशन सुपर स्मूथनेस है। मेरे जो डिवाइस है ना 4GB वेरियंट है, बट जब मैं इसको यूज़ करता हूँ देख सकते हो फ्लैगशिप डिवाइस की तरह आपको ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन मिल जाएगा, लैग वगैरह बिल्कुल नहीं है। ओके, रोम मुझे बहुत सही लगा। बाकी विजेट्स वगैरह आपको बहुत सारे भर भर के मिल जाएगा, जो मर्जी आप इधर से ऐड कर सकते हो, देख सकते हो बहुत सारे विजेट्स वगैरह मिल जाएगा। ओके,
जो मैं इधर ऐड किया हूँ, देख सकते हो डायनेमिक आइलैंड की तरह जो iOS 18 में आया है, उस तरह से आप इधर से विजेट्स वगैरह ऐड कर सकते हो। ओके, अब चलो मेन परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हुए, जो मैं टेस्ट वगैरह किया था तो देख लो नाइट में 98% चार्ज करके रख दिया था, मॉर्निंग में चेक किया तो 95, सो ऑनली 3% का जो ड्रेन मिल रहा था नाइट में, कोई इशू नहीं। नॉर्मली सारे रोम पे जो मिलते हैं इस तरह से आपको ये वाले रोम पे भी देखने को मिल जाएगा। ओके, और इसका जो गूगल फोटोज़ है वो आपको अनलिमिटेड स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जितना मर्जी आप गूगल फोटोज़ में जो फोटोज वगैरह रख सकते हो। इसका जो गीगबेंच स्कोर है वो भी मुझे बहुत सही लगा, मल्टी और जो सिंगल स्कोर है देख सकते हो, स्कोर वगैरह बहुत सही लगा। और इसका जो डिवाइस है वो आपको सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। ओके, और इसका मैं जो टेस्ट वगैरह किया था अंतुत स्कोर, उस साइड स्क्रीनशॉट वगैरह लेना ही भूल गया था यार, तो इसको मैं टेस्ट वगैरह किया था अंतुत स्कोर वो भी बहुत सही लगा, बट उसका शायद स्क्रीनशॉट वगैरह मैं मिसिंग कर दिया, देख सकते हो टेस्ट वगैरह किया, मैं इधर से शो कर देता हूँ। अभी फिर से पहले से टेस्ट करने को बोल रहा है, रुक जाओ देखने दो। ओके, देख सकते हो ये वाले स्कोर मुझे देखने को मिला है, दो बार मैं टेस्ट किया था तो दो बार अलग अलग स्कोर आया था, तो इसमें ज़्यादा क्या बोलूँ, दो बार अलग अलग स्कोर आया था। ओके, तो स्कोर देखो कुछ इस तरह से मुझे देखने को मिला है, तो रूम तो बहुत सही है, चाहो तो इजीली यूज़ कर सकते हो, कोई मेजर इशू नहीं है, बैंकिंग एप्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, और रूम सुपर स्मूथनेस है, मैं तो चेक कर ही दिया है। और इंस्टॉलेशन की बात करें तो नॉर्मली आपको जिस तरह से इंस्टॉल करते हो, बाकी सारे रोम का वीडियो मैं दे दिया था, रिकवरी में जाके रोम को इंस्टॉल करके फॉर्मेट डेटा कर देना हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से रोम इंस्टॉल कर सकते हो इजीली। सो आई होप गाइस वीडियो हेल्पफुल लगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो गाइस, और आप रेडमी 12 5G और पोको M6 Pro 5G डिवाइस के यूजर हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना।